हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुकी हूँ एक नए ड्रामे के साथ और आज मैं 2019 में रिलीज हुई थाई बीएल सीरीज टू मून्स टू के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों को मून का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, थाईलैंड में फिशर ऑफ द ईयर को मून कहा जाता है और ये ड्रामा टू मून्स ड्रामा का रीमेक है। और टू मून्स टू ड्रामे के फर्स्ट 4 एपिसोड की कहानी वही टू मून सीरीज की कहानी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हमें टू मून्स टू सीरीज में पा और वायो के अलावा पोत और भीम और मिंग और कीत की स्टोरी भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, जो हमें टू मून सीरीज में नहीं मिलती। तो चलिए बिना देर किए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ ड्रामे का मेन कैरेक्टर वायो स्टेज की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि उस दिन मैं अपने डिपार्टमेंट से मून के लिए सिलेक्ट हुआ, इस सवाल के साथ कि प्यार के क्या मतलब है तुम्हारे लिए। मेरे अकॉर्डिंग प्यार वो है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन की दी जाती है। प्यार वो है जिसमें कोई रूल नहीं होता, बस जिसे दूर से देखकर ही खुशी मिलती है। इसके बाद 2 वीक्स पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां वायो अपने फ्रेंड लिंग के साथ अपने रिजल्ट के आने का वेट कर रहा होता है। वो बहुत नर्वस होता है कि तभी उसका रिजल्ट आउट होता है और वो पास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि वो उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा रहा है। क्या वो इसलिए खुश हो रहा है या फिर वो वहाँ अपने क्रश के आसपास रहेगा इसलिए खुश हो रहा है। मिंग उसे कहता है कि उसे तो पता भी नहीं होगा कि वायो एग्जिस्ट भी करता है। वायो उसकी बातें सुनकर कहता है कि बस उसे दूर से देखना ही उसके लिए काफी है। इसके बाद कैमरा वायो के रूम पे लगे हुए उसके क्रश के ढेर सारे फोटो पर जाता है। दूसरी तरफ ड्रामे के एक और मेन कैरेक्टर पा को दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होकर वायु को अपने कॉन्डो के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है जहां वो अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है। इसके बाद वो एंट्री करने ही वाला होता है कि उसके हाथों से बुक्स गिर जाते हैं। वो उन बुक्स को उठा रहा होता है कि तभी वहां पे पा आ जाता है और वो वायु को कहता है कि उसे चीजें कैरी करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। और फा उसे कहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और उसे अपना काम खुद करना चाहिए। वायु कहता है कि ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। पा उसे शॉर्टी कहकर बुलाता है और वो कहता है कि वो उसे बस एडवाइस दे रहा है। उसकी बातें सुनकर वायो कहता है कि वो शॉर्टी नहीं है और इसके बाद वायो वहां से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर वायो और मिंग को कॉलेज जाते हुए दिखाया जाता है जहां वायो मिंग को अपने फर्स्ट इंटरेक्शन के बारे में उसे बताता है और वो कहता है कि उसका फर्स्ट इंटरेक्शन अपने क्रश के साथ कितना बेकार रहा। मिंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने उससे बात तो किया। और वो कहता है भले ही इंटरेक्शन अच्छा ना हुआ हो पर वो दोनों अब एक दूसरे से बार बार मिलेंगे और वो कहता है कि ड्रामों में अक्सर ऐसा ही होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वायु अपने क्लास में लेट से पहुंचता है जहां लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। उसे एक लड़का अपने पास बिठाता है और वो अपने फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद बास्केटबॉल ग्राउंड में वायु और उसके क्लासमेट्स बैठे होते हैं जहां उनके कंपटीशन के लिए फ्रेशर्स का सिलेक्शन हो रहा था। और तभी वहाँ पे पा की एंट्री होती है और वहाँ पे सीनियर्स फा को सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर फा है जो कि लास्ट ईयर के कैंपस के मून रह चुके हैं। और सीनियर्स उसे स्टूडेंट से कुछ मोटिवेशनल बातें करने को बोलता है। फा उन्हें कीप गोइंग बोलकर चला जाता है। फा के जाने के बाद सीनियर सबसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने डिसाइड किया कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। वायु के न्यू फ्रेंड्स मिलकर उसका नाम मून कॉन्टेस्ट के लिए दे देते हैं। सीनियर्स वायु को कहते हैं कि उसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इसके बाद सीन चेंज होकर मिंग और वायु को एक साथ वायु के रूम पे बैठे हुए दिखाया जाता है जहां मिंग उसे शाबाशी दे रहा होता है और वो वायु को कहता है कि ट्रेडिशनली एक्स मून प्रेजेंट मून को गाइड करता है और वो कहता है कि इसका मतलब हुआ कि वो फा को अब बार बार देख पाएगा। उसकी बातें सुनकर वायु शाय हो जाता है। इसके बाद वो वायु से पूछता है कि वो क्या क्वेश्चन थे जिसके बाद उसे कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट किया गया। वायु कहता है कि उन लोगों ने उससे पूछा कि प्यार शब्द के क्या मायने हैं उसके लिए। ये कहकर वो अपने रूम पे लगे पा के फोटो की तरफ देखने लगता है। सुबह जब वायु जगता है तो उसे डोर पे नॉक करने की आवाज़ आती है और वो अपने डोर को खोलकर देखता है। पा अपनी क्लासमेट से कुछ नोट्स लेने आया हुआ होता है। जैसे ही वो टर्न करता है तो वो वायु को देख लेता है। पा को देख कर वायु अपना गेट बंद कर देता है। पा उसके डोर पे नॉक करने लगता है और वो कहता है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। वायो अपने आप को संभालता है और वो डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि डोर पे मिंग खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है कि मून्स के ट्रेनिंग का टाइम हो गया है और वो अब तक रेडी नहीं हुआ।
वायु को कहता है कि उसने अभी तक शावर भी नहीं लिया और वो वायु को कहता है कि उसने कितने सारे उसे कॉल्स किए पर उसने उसके एक भी कॉल्स को पिक नहीं किया। उसकी बातें सुनने के बाद वायु उसे कहता है कि उसे मून के ट्रेनिंग के टाइम के बारे में कैसे पता। इसके बाद निंग कहता है कि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मून के लिए सिलेक्ट हुआ है। आगे वायु और मिंग को ट्रेनिंग वाली जगह पे दिखाया जाता है जहां उन सबका मेकअप हो रहा होता है। इसके बाद फा की एंट्री अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। मिंग और वायु उसे वहां देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। फा वायु के पास आता है और वो उसे कहता है कि वो मून के लिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है और उसे सेलेक्ट कैसे कर लिया गया और वो जीत नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर वायु कहता है कि वो ये सब कैसे कह सकता है, क्या हुआ अगर वो जीत जाए और वो प्रूव करेगा कि वो कैंपस का मून बनने के लायक है, शायद एक्स मून से भी बेहतर। फा उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वो मिंग को गुड विशेस देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वायु को कैंटीन से पिंक मिल्क लेते हुए दिखाया जाता है कि तभी वहां पे फा आ जाता है और वो उसे एक पिंक मिल्क खरीद कर देता है, जिसके बाद वायु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर जैसे ही वो मिंग के साथ ट्रेनिंग रूम में वापस जाता है तो वहां देखता है कि वहां बहुत सारे पिंक मिल्क रखे होते हैं जिसे फा सबके लिए लेकर आता है। ये सब देखकर वायु बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है और वो गुस्से में जाते हुए पिंक मिल्क को डस्टबिन में फेंक देता है और वहीं पास में पोत बैठा हुआ होता है। वो वायु से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। वायु कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पोत उसे कहता है कि वो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, पर जब बताना चाहे तो वो उसे बता सकता है। इसके बाद पोत उसे कहता है कि क्या वो वायु है। वायु उसकी बातें सुनकर यस कहता है कि तभी वहां पीछे से फा आ जाता है और वो पोत को कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था और वो पोत को कहता है कि क्या वो वायु के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पोत उसकी बातें सुनकर कहता है कि उसने वायु को परेशान देखा तो बस उससे बातें करने की कोशिश की और ये कहकर पोत वहां से चला जाता है। पोत के जाने के बाद फा वायु से पूछता है कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। वायु फा को पिंक मिल के पैसे देता है जिसे देख कर फा नाराज हो जाता है और वो उसे कहता है कि इन पैसों से वो आइसक्रीम खा ले। तब उसे समझ आएगा कि उसने उसे दूसरे लोगों से ज्यादा ट्रीट दिया है और ये कहकर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर वायु को कॉन्डो में एंट्री करते हुए दिखाया जाता है कि तभी वहां उसकी मुलाकात फा के फ्रेंड किप से होती है। वायु उसे देखकर कहता है कि उसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है और वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों पहले भी मिले हुए हैं। उसकी बातें सुनकर किप उसे कहता है कि वो अपने हाई स्कूल के सीनियर को भूलने की कोशिश कर रहा है। किप वायु को कहता है कि वो पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है। इसके बाद वो वायु को फा के बारे में बताता है और वो कहता है कि अगर उसे कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे बात कर सकता है और वो कहता है कि फा बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। वायु किप को कहता है कि वो फा को उसके बारे में ना बताए कि वो उसके हाई स्कूल का जूनियर है वरना फा उसे और भी ज़्यादा बुली करेगा। उसकी बातें सुनकर किप कहता है पर फा ऐसा किसी के साथ भी नहीं करता। इसके बाद वायु किप से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसे कुछ भी ना बताए। इसके बाद वो दोनों आपस में अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में सीनियर्स मून के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो सब फोटोशूट के लिए सी साइड पे जाएंगे और वहाँ वो सब ओवरनाइट स्टे करेंगे और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि फा अपने फ्रेंड बीम और किप के साथ बालकनी में खड़ा होता है। उन लोगों को वहाँ देख कर मिंग कहता है कि ये लोग प्राइमरी स्कूल से अब तक फ्रेंड है जैसे कि वो और वायु। वायु कहता है कि उसके मन में उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। इसके बाद किप और बीम को साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वायु उनके पास आकर उन्हें हेलो कहता है। बीम उसे वहां देखकर पूछता है कि क्या वो उन लोगों को जानता है। किप बीम को बताता है कि ये उनके हाई स्कूल का जूनियर वायु है। बीम उसे कहता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। उन लोगों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां पे फा आ जाता है और वो किप और बीम से कहता है और वो अपने फ्रेंड्स को पूछता है कि क्या वो दोनों वायु को जानते हैं। बीम उसे वायु के बारे में बताने ही वाला होता है कि किप उसे बातें पूरी करने से रोक देता है और वो बीम को वहां से लेकर चला जाता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद फा वायु को कहता है कि वो उसके फ्रेंड से फ्लर्टिंग कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वायु कहता है वो चाहे तो वो उसके साथ भी फ्लर्ट कर सकता है। फा कहता है कि उसे उसके जैसे फ्रीक लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किप बीम को किस्ता हुआ ले जा रहा होता है और किप बीम को बताता है कि फा को वायु याद नहीं है। तो बीम उसे कहता है तो चलो चलकर उसे बता देते हैं। किप उसे कहता है कि क्या उसे याद नहीं कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन से पहले उन लोगों ने उससे ओपनली बात की थी। बीम उसकी बातें सुनकर कहता है कि वो समझ गया। किप उसे कहता है कि उसका आंसर तो उसे याद ही होगा और वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद सीन चेंज होकर रात में वायो को अपने रूम पे दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे उसके डोर पे कोई नॉक करता है। जब वायो डोर ओपन करता है तो वहाँ सामने फा खड़ा होता है और फा उसे देख कर डर जाता है। एक्चुअली वायो ने अपने फेस पे फेस पैक लगाया हुआ होता है। फा उसे कहता है कि उसने अपने फेस के साथ क्या किया है। वायो कहता है पर इसे उसे क्या प्रॉब्लम है, और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया। फा उसे कुछ नोट्स देता है और वो कहता है कि उसके सामने ऑपोजिट वाले रूम में जो लड़की रहती है ये उसे दे दी। वायो उसे कहता है बट वो फ्री में कुछ भी नहीं करेगा। फा उसे एक चॉकलेट देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फा वहाँ से जाने लगता है और वो वायो को कहता है कि कल वो उसे पिंक मिल्क खरीद कर देगा। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ वायो भागता हुआ यूनिवर्सिटी जा रहा होता है। रास्ते में उसे पोत दिखता है, उसे कहता है कि वो भी यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो उसे लिफ्ट दे सकता है। इसके बाद वायो पोत के साथ भागता हुआ यूनिवर्सिटी पहुँचता है जहाँ मिंग उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि उसने उसे कई सारे कॉल्स किए बिकॉज सीनियर्स उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद वहाँ पे एक सीनियर आता है और वो उसे कहता है कि उसका फोटोशूट होने वाला है। फोर्थ वायो को गुल्लक कहता है और वो उससे अपना नंबर एक्सचेंज करता है और फोर्थ उसे कहता है कि कभी भी उसे उससे बात करनी हो या फिर उसे कोई एडवाइस की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद वहाँ पे फा आ जाता है और फोर्थ वहाँ से चला जाता है। फा वायो से कहता है कि क्या वो लेट उठा। वायो कहता है नहीं और वो फा से पूछता है कि उसका एग्जाम्स कैसा रहा। फा कहता है कि उसका एग्जाम आफ्टरनून में है। इसके बाद फा उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना नहीं है। वायो उसकी बातें कुछ समझ नहीं पाता है। इसके बाद फा वहाँ से चला जाता है। मिंग जो अब तक वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था वो वायो को कहता है कि वो स्ट्यूपिड है और वो कहता है कि फा जेलस हो रहा है और वो वायो को पिंक मिल्क देता है और वो कहता है कि ये फा उसके लिए लेकर आया था और जब वो यहाँ पे नहीं था तो वो उसके पास रख कर चला गया। वायो उससे कहता है क्या वो सबके लिए नहीं लेकर आया। मिंग कहता है नहीं सिर्फ उसके लिए। इसके बाद वो फा की तरफ भागता है और वो फा को रुकने के लिए कहता है और वो फा को एग्जाम्स के लिए गुड विशेस देता है और उसे कहता है कि वो आशा करता है कि वो अपने क्लास में टॉप करेगा। फा उसकी बातें सुनकर कहता है कि अगर वो टॉप करेगा तो क्या वो उसे ट्रीट देगा। वायो यस कहकर अपना सर हिलाता है। इसके बाद फा और वायो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी टू मून्स टू के फर्स्ट एपिसोड की कहानी। फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए,